Welcome to Jungle Safari, presented by Engineer Gyan. इल्ली या कैटरपिलर लैपिडोप्टेरा प्रजाति के एक सदस्य हैं और आहार के मामले में अधिकांशतः शाकाहारी हैं, लेकिन कुछ प्रजातियां कीट भक्षी भी होती हैं। कैटरपिलर बड़े ही खाऊ होते हैं और इनमें से कई को कृषि में कीट माना जाता है। कई मॉथ प्रजातियों को कृषि उत्पाद और फलों को नुकसान पहुंचाने के कारण उनकी कैटरपिलर अवस्था में ज्यादा जाना जाता है। अधिकांश कैटरपिलर का शरीर बेलनाकार यानी कि सिलेंड्रिकल और दो हिस्सों में बटा हुआ होता है। उनमें तीन वक्षियों वर्गों पर वास्तविक पैरों के तीन जोड़े होते हैं। पेट के बीच खंडों पर प्रोलेग यानी कि पैर नुमा उभार की चार जोड़ियां तक होती हैं। अक्सर पेट के आखिरी खंड पर प्रोलेग की एक जोड़ी होती है और पेट के 10 खंड होते हैं। लैपिडोप्टेरा का परिवार प्रोलेग की संख्या में और स्थिति में भिन्न होते हैं। कुछ कैटरपिलर बाल वाले होते हैं और उन्हें छूने पर हाथों में खुजली होने की संभावना होती है, और अन्य सभी कीड़ों की तरह कैटरपिलर छाती और पेट से लगे हुए छोटे सुराखों की एक श्रृंखला के माध्यम से सांस लेते हैं, जिससे झरोखा कहा जाता है। यह शरीर गुहा में श्वास नली के एक नेटवर्क में फैल जाती है। कैटरपिलर में करीब 4000 मांसपेशियां यानी कि मसल्स होते हैं। वे पीछे के हिस्से में मांसपेशियों के संकुचन के माध्यम से चलते हैं, जिससे रक्त आगे के हिस्से में धकेला जाता है और धड़ लंबा हो जाता है। औसत कैटरपिलर में अकेले सिर के खंड में 248 मांसपेशियां होती हैं। कैटरपिलर की दृष्टि खराब होती है और उनके सिर के निचले हिस्से के दोनों तरफ 6 छोटे आइलेट की एक श्रृंखला होती है। भोजन का पता लगाने के लिए वे अपने छोटे एंटीना पर भरोसा करते हैं। कैटरपिलर का शरीर नरम होता है, जो निर्मोक के बीच तेजी से विकसित होता है। केवल शरीर का कैप्सूल कठोर होता है। कैटरपिलर में जबड़ा पत्ते चबाने के लिए तेज और कठोर होता है। अधिकांश वयस्क लैपिडोरा में जबड़ा बेहद छोटा या नरम होता है। कैटरपिलर के जबड़े के पीछे रेशम के जोड़ तोड़ के लिए स्पिनरेट होता है। कई जानवर कैटरपिलर का भक्षण भी करते हैं, क्योंकि उनमें प्रोटीन का आधिक्य होता है। विरोध स्वरूप कैटरपिलर ने आत्मरक्षा के विभिन्न तरीके विकसित कर लिए हैं। कैटरपिलर का स्वरूप अक्सर किसी शिकारी को भगा सकता है। उसके चिन्ह और शरीर के कुछ खास अंग उसे जहरीला और आकार में बड़ा दिखा सकते हैं और इस प्रकार डरा भी सकते हैं या फिर उसे खाने के अयोग्य दर्शा सकते हैं। कैटरपिलर के कुछ प्रकार वास्तव में जहरीले होते हैं और एसिड फेंकने में सक्षम होते हैं। कुछ कैटरपिलर में लंबा चाबुक की तरह का अंग उनके शरीर के छोर के साथ संलग्न होता है। कैटरपिलर मक्खियों को डराने के लिए इन अंगों को हिलाता रहता है। कैटरपिलर ने ठंड, गर्मी या शुष्क पर्यावरण जैसी भौतिक स्थितियों के खिलाफ बचाव के गुण विकसित कर लिए हैं। कई कैटरपिलर का रंग अप्रकट होता है और वे उन पौधों को के सदृश दिखते हैं जिसका वे भक्षण करते हैं। उनके शरीर के कुछ हिस्से ऐसे भी हो सकते हैं जो पौधों की नकल करते हों, जैसे कि कांटे। उनका आकार 1 मिलीमीटर तक छोटा होने से 3 इंच तक का हो सकता है। इनमें कुछ पर्यावरण की वस्तुओं की तरह लगते हैं, जैसे कि पक्षी के बीक। आत्मरक्षा के आक्रामक उपाय कैटरपिलर द्वारा अपनाए जाते हैं। इन कैटरपिलर में कांटेदार रोएं होते हैं या लंबे बालों जैसा कड़ा बाल होता है, जिसकी नोक अलग होने में सक्षम होती है, जो त्वचा या श्लेष्म की झिल्लियों में घुसकर विचलित करते हैं। पौधों ने शाकाहारियों से स्वयं को रक्षा के लिए विष विकसित किया है और कुछ कैटरपिलर ने प्रतिक्रिया स्वरूप उपाय विकसित किए हैं और वे इन जहरीले पौधों की पत्तियां खा लेते हैं। जहर से अप्रभावित रहने के अलावा वे इस जहर को अपने शरीर में पृथक रखते हैं, जिससे वे शिकारियों के लिए बेहद विषैले बन जाते हैं। और कुछ कैटरपिलर हमलावर दुश्मनों पर अम्लीय पाचक रस का वमन करते हैं। कई पेपिलियोनिट लार्वा स्राव ग्रंथियों से, जिसे ऑस्ट्रोमेरिया टीरिया कहा जाता है, बुरी गंध उत्पन्न करते हैं। परेशान किए जाने पर कैटरपिलर शिकारियों से बचने के लिए रेशम के धागे का उपयोग करते हुए शाखाओं से नीचे लटक जाते हैं और कुछ कैटरपिलर खुद को चींटी के साथ मिलाकर संरक्षण प्राप्त कर लेते हैं। कैटरपिलर को खाने की मशीन कहा गया है और वो पत्तियों को अंधाधुंध खाते हैं। अधिकांश प्रजातियां अपने शरीर के बड़ा होने तक अपनी त्वचा का 4 या 5 बार त्याग करते हैं और वे अंततः एक व्यस्क रूप में कुशस्थ कीट बन जाते हैं। कैटरपिलर बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। उदाहरण के लिए,
एक टोबैको हॉर्नवॉर्म अपना वजन 20 दिन से कम में 10,000 गुना बढ़ा लेता है। अधिकांश कैटरपिलर केवल शाकाहारी होते हैं, इनमें से कई पौधों की प्रजाति तक सीमित होते हैं, जबकि अन्य विविध खाद्य भक्षक होती हैं। क्लूथ्स मॉथ सहित कुछ मलबे का भक्षण करते हैं। अधिकांश शिकारी कैटरपिलर अन्य कीड़ों के अंडों, ऑफिड्स, स्केल कीड़े या चींटी के लार्वा का भक्षण करते हैं। कुछ नरभक्षक हैं और कुछ अन्य दूसरी प्रजातियों के कैटरपिलर का भक्षण करते हैं। सो फ्रेंड्स, नाउ इट इज द टाइम फॉर द क्वेश्चंस, सो गेट रेडी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, कैटरपिलर किस प्रजाति के सदस्य हैं? सेकेंड क्वेश्चन इज, कैटरपिलर के शरीर में कितनी मांसपेशियां यानी कि मसल्स होते हैं? और कैटरपिलर का शरीर 10 भागों में बटा होता है, तो उनके सिर के खंड में कितनी मांसपेशियां होती हैं? फोर्थ क्वेश्चन इज, कैटरपिलर की दृष्टि धीमी होती है या तेज होती है? सो फिफ्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, कैटरपिलर के जबड़े के पीछे रेशम के जोड़ तोड़ के लिए कौन सा ऑर्गन होता है? सो फ्रेंड्स, हरी अप एंड आंसर आवर क्वेश्चंस। सो वी आर वेटिंग फॉर द आंसर्स। सो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें।